नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की बात करें तो इस वक्त अयोध्या दिव्य और भव्य नजर आ रही है। पूरे राम में अयोध्या हुई पड़ी और 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। और आज से बात की जाए तो यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। जी हाँ, प्रायश्चित पूजा के बाद से आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रायश्चित पूजा के बाद से आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि जहाँ पर प्रायश्चित पूजा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यहाँ पर प्रायश्चित पूजा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे से इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। 121 ब्राह्मणों से अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। सरयू नदी के तट पर दशविधि स्नान होगा और आपको बता दें कि दशविधि स्नान में सभी 5 तत्वों का इस्तेमाल होगा। विष्णु पूजा और गाय का तर्पण किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत होगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रायश्चित पूजा से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे ये अनुष्ठान शुरू हुआ। 121 ब्राह्मणों से अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि सरयू नदी के तट पर दशविधि स्नान होगा। दशविधि स्नान में सभी 5 तत्वों का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही विष्णु पूजा और गाय का तर्पण किया जाएगा। और अयोध्या से हमारे सहयोगी सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, क्या कुछ अपडेट और जानकारी जिस तरीके से देखा जाए, जो 22 जनवरी का दिन है उसको लेकर यहाँ पर अयोध्यावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वहीं आज अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट जानकारी सीमा? कर्म कोटी और साथ ही साथ प्रायश्चित के पूजा के जरिए जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। इस वक्त हम एक जगह पर मौजूद है जहां पर 1008 कुंडी हवन हो रहा है। और आप यहां की तस्वीरें देखिए कि कितनी भव्य और दिव्य नज़र आ रही हैं। भगवान राम लला यहां पर विराजमान हैं और उनकी भगवान राम की तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1008 कुंडी हवन जो है वो चल रहा है। अलग अलग यजमान यहाँ पर हवन में प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो हवन का जहाँ पर चल रहा है उसका जो प्रांगण है उसकी तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त तस्वीरें आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी। अयोध्या इसी तरह से शोभायमान नज़र आ रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, जब यहाँ पर हम आएंगे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अयोध्या को जहाँ पर हवन हो रहा है सिर्फ वहाँ पर इसको कितना सजाया और संवारा गया है। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको कि कितनी शानदार तस्वीरें यहाँ जगह जगह पर बनाई गई हैं। दूसरी तरफ भगवान लक्ष्मण, भगवान राम और साथ में वानर सेना की तस्वीर है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितनी शानदार, भगवान राम का नाम हाथ में लिए हुए वानर राम सेतु में समुद्र में जो है वो पत्थर डालने के लिए जा रहे हैं राम सेतु बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये और भी तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, आपको नज़र आएंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो भगवान राम से जुड़ी हुई यादों को उकेरा गया है। ये निषाद राज की तस्वीर आपको देखिए कि नौका पर सवार निषाद राज कैसे माँ जानकी, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को लेकर जो है वो नौका पार करा रहे हैं। तो त्रेता युग से जुड़ी हुई उन सभी यादों को यहाँ पर समेटा गया है, दिखाया गया है, जिससे जो है वो लोग यहाँ पर अपने आप को बिना सेल्फी लिए रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ बाल्य अवस्था की तस्वीरें भगवान राम लक्ष्मण की यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ऋषि मुनियों से वो आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये भी तस्वीर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है।
तो इस तरह के नज़ारे ये एक नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों नज़ारे हम आपको दिखाएंगे जो कि भव्यता को दर्शा रहे हैं कि अयोध्या की भव्यता क्या है। देखिए तस्वीरों में हनुमान जी की तस्वीर, साथ ही साथ सीता जी की तस्वीर है, साथ में भगवान राम और लक्ष्मण की तस्वीरें भी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो ये एक बेहद ही भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। और आगे ले चलते हैं जहाँ पर और बहुत सारी प्रतिमाएं इस तरह की स्थापित की गई हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर देखा जाए तो भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए सीमा, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो अयोध्या के निर्माण का जो कार्य है, निर्माण में जो कार्य चल रहे हैं वो अंतिम चरण पर है और युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कार्यों में भी तेजी आ रही है। और राम मंदिर निर्माण में जो कारीगर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर वो राजस्थान के हैं। लेकिन यहाँ पर ठंड का कोई भी प्रकोप, कोई भी असर उन पर देखने को नहीं मिल रहा। और कारीगरों की बात करें तो कारीगरों का साफ तौर पर कहना है कि ठंड जो है वो उनकी आस्था पर भारी नहीं पड़ सकती। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने वाले राम भक्त या ये कहें वो कारीगर मौजूद हैं जो दिन रात धूप प्यास पानी छोड़कर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने में लगे हैं। तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। कब से आप राम मंदिर के जो काम शुरू हुआ है कब से यहाँ पर लगे हैं? हमको तो 1.5 महीने हुआ है। 1.5 महीना हो गया है। कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण करके उसमें? अच्छा लग रहा है। कहाँ के हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से आए तो आप कब से यहाँ पर आए हैं? दो एक महीने हो गए। 2-1 महीना हो गया। इसके पहले कभी कोई मंदिर बनाया था? वहाँ लखनऊ में बनाया था। लखनऊ में बना। लेकिन प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में कितनी खुशी हो रही है? बहुत बड़ी खुशी। बहुत। घर की याद आती है कि लग रहा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बना के ही जाएंगे? नहीं, श्री राम का मंदिर बना कर घर जाएंगे हम। अच्छा। और घर की कोई वहीं याद नहीं हमें, श्री राम भगवान का हुआ है अवतार। अच्छा। उसी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कुछ नहीं, काम अच्छा मंदिर में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है काम करने के। अच्छा, आप भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जो अंदर निर्माण कार है उसमें आप लगे हुए हैं, कैसा लगता है जब आपको? लगता है बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान के। और कभी सोचा था कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा? हाँ, होता है। और क्या? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो एक बार जय श्री राम का नारा जो है आप लगा दिए। तो देखिए ये तमाम वो कारीगर हैं जो मंदिर को निर्माण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं और इन सभी का कहना ये है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में हमको बेहद ही खुशी हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कारीगरों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, काम एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इसी बीच खबर है कि आगरा से भी यहाँ पर देखा जाए तो आगरा वासियों में प्रभु राम के मंदिर को लेकर काफी आस्था देखने को मिल रही है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 501 किलो पेठा भेजा गया है आगरा से, यहाँ पर आस्था की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। आगरा से 560 किलो पेठा चलकर अयोध्या पहुंचा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हर वैरायटी का पेठा मौजूद है और यहाँ पर जो जी जी क्या कह रहे हैं आप साथ में? एक हनुमान जी के रूप में गदा है जिसको सोने से मड़के और काजू पिस्ता बादाम वगैरह लगाकर सजाया गया है, जो हनुमान जी के स्वरूप के प्रति उसमें लगाई गई है, जो ठाकुर जी के आश्रम में उसमें दरबार में लगाई जाएगी। अच्छा, ठाकुर जी के वहाँ दरबार में लगाने के लिए लाए। ये पेठा कितना लाए हैं आप? पेठा 5 से 10 किलो, 5 से 60 किलो, 56 ट्रेनों में है। इसके अलावा करीब 200 किलो पेठा हम लोग रास्ते बांटते हुए आ रहे हैं, यहाँ के लिए भी लाए अलग से, जो पेठा का प्रसाद हम लोग बांटेंगे। कौन कौन से किस्म के पेठे हैं इसमें जो लेकर आए हैं? देखिए, सोने के भरके का पेठा, चांदी के भरके का पेठा, रत्नागिरी पेठा, गुलाब पेठा, पेठा लिली, पेठा खरबूजा, पेठा संतरा, पेठा तरबूजा, पेठा परमल, पेठा आम, पेठा शबनम, मतलब करीब करीब 56 प्रकार के पेठे के नाम हैं। उनमें अलग अलग स्वाद और उनके नेचुरल कलर दिए गए हैं, कोई भी कलर किसी प्रकार की हानिकारक नहीं है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं प्राचीन पेठा के नाम से संचालन करता हूँ। और मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पेठे से बने हुए 56 भोग जो हमारे प्राचीन पेठा पर निर्माण हुए हैं, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है। तो कितने प्रकार के? 56 प्रकार के हमने, हाँ, हमारे द्वारा हमारे यहाँ 56 प्रकार के पेड़े मिले। हाँ, और ऐसे ऐसे
ड्राई फ्रूटों से पेठा बनाया है जो अपने आप हमने राजा रामचंद्र जी के लिए स्पेशल रूप से तैयार किया है और पहली बार विश्व विख्यात जो पेठा बनाया है इतनी किस्म पहली बार रहे कि जितनी वैरायटी हम राजा रामचंद्र जी के लिए लेकर आए। आप देख लीजिए कि यहाँ पर पेठे जो है वो लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे भगवान राम को भोग लगाने के लिए अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 56 प्रकार के ये पेठे आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है पेठों को। और ये भगवान ये गदा दिख रही है आपको, ये सोने की गदा है और इस गदा में काजू बादाम ये सब जड़े हुए हैं। ये सोने की गदा है, इसको बनाया गया है और ऊपर से इसमें 56 भोग लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, 56 प्रकार के पेठे हैं और आप देख सकते हैं कि ये पेठा आगरा से चलकर आया है। रास्ते भर पेठा इसी तरह से लोग बांटते हुए लाए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। पेठा भगवान रामलला को भोग लगाया जाएगा और हनुमान जी का जो गदा है उसमें तमाम चीज़ें चिपकी हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स चिपके हुए हैं, वो भी यहाँ पर अर्पित किया जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और देखा जाए तो यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीमा अब हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। सीमा जिस तरीके से देखा जाए तो एक 500 सालों की लंबी लड़ाई लड़ी गई है, उसके बाद आज ये दिन अयोध्यावासी देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह देख रहे हैं आप, कोई अगरबत्ती भेज रहा है, कोई आगरा से पेठा भेज रहा है, कोई शहद भेज रहा है। देखिए आस्था की कोई भी कमी नहीं है, 22 जनवरी का बस इंतजार किया जा रहा है। देखिए 22 जनवरी का सभी को इंतज़ार है और 22 जनवरी के इंतज़ार में पूरी अयोध्या जो है वो डूबी हुई है। लोगों को इस बात का कहना है कि लोग ये 22 जनवरी आए और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द शुरू हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? संदीप कुमार दुबे। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से ही हैं तो यहाँ पर घूमने आए हैं क्या सिर्फ? नहीं, हमारा ये कार्यक्रम है। अच्छा, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके लिए क्या तैयारी की है? सब पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, दर्शन करने जाएंगे। एकदम सब लोग, सारे लोग जाए दर्शन करने, सारे लोग दर्शन करने जाएंगे। तो ये जो प्रांगण है, यहाँ की हम तस्वीरों पे हमारा फोकस है खास तौर से, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप देखिए कि ये राम मंदिर का यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है, भगवान राम लला के दर्शन के लिए इसी तरह का मंदिर तैयार हो रहा है और इसी तरह के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें बाकायदा ऊपर एक झंडा लगाया गया है, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और राम मंदिर का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मंदिर के मॉडल की तस्वीर जो है वो सामने से हम दिखा रहे हैं, वहीं अभी साइड से भी इसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। अंदर लाइट लगाई गई है यहाँ पर और बाकायदा जो है वो बेहद ही खूबसूरती के साथ इसको मॉडल को तैयार किया गया है। आगे से लेकर पीछे तक सभी मंदिर को उसी कलर में रंगा गया है जिस कलर में असली राम मंदिर यानी जो राम मंदिर बन रहा है उसको जो है वो रंगा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये दूसरी तरफ जो है वो तस्वीरों से जो है तमाम चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। ये अयोध्या में चिराग जो कहा जाए या दियों से, आप देख सकते हैं कि इसमें राम भद्राचार्य जी की तस्वीर भी बनाई गई है और यहाँ पर ये दीपक जो है वो जलाए जाने हैं। अयोध्या इसमें लिखा हुआ है और महोत्सव दीप महोत्सव अयोध्या। तो आप देखिए कि किस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और वो अपना कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। उसमें सभी तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात से। तो हवन में शामिल होने के लिए? हवन में बैठे हैं। हवन में बैठे कितनी देर रहा हवन आपका? अभी हमारा 3 घंटा चलता है। 3 घंटा चला तो क्या आप जब 22 तारीख को
प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की आप लोगों ने? बहुत तैयारी है, यज्ञ होगा और हम सूरत से रुकने के लिए आए 10 दिन यहाँ पे। जी। प्राण प्रतिष्ठा होगी, बाद में जाएंगे हम। बाद में बिना मंदिर के दर्शन किए नहीं जाएंगे? नहीं, दर्शन तो अभी तो किया, लेकिन प्रतिष्ठा का दर्शन करके जाना है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राजस्थान से। श्याम। राजस्थान से आए हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितना उत्साहित हैं, कितना जो है वो मन में विचार लेकर आए हैं? दर्शन करके जाएंगे, पहले चले जाएंगे? कोशिश तो यही करेंगे दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। नए मंदिर के दर्शन तो होंगे ही, नए मंदिर के दर्शन करके जाएंगे कि पुराने वाले में ही करके चले जाएंगे? नहीं, पुराने वाले के तो कराए हैं हम। अच्छा। लेकिन नए के करने के लिए उत्साहित हैं। कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पे? 4 दिनों से। 4 दिनों से यहाँ पे आए आप? जी नमस्कार। 13 तारीख को हम आगे थे यहाँ पे गुरु जी के पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव के अंदर। और यहाँ पर 9 दिनों का महायज्ञ चलेगा, जहाँ पर प्रभु श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की आहुतियाँ दी जाएगी। और इन आहुतियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कब्जा किया हो गया है। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ हम सिर्फ भगवान राम से जुड़ी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये कार्यक्रम हो रहा है, दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जरूर जरूर दर्शन करने जाएंगे, इतनी दूर राजस्थान से हैं तो दर्शन जरूर करेंगे प्रभु। 22 तारीख तक रुकेंगे आप लोग यहाँ? जी जी जरूर जरूर, 22 तारीख तक हम। बिल्कुल, चुनाव यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आस्था का एक तरीके से सैलाब उमड़ा पड़ा है। अयोध्या इस वक्त राममय रंगी हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच सीमा मैं जुड़ूंगा आपसे, लेकिन इसी बीच खबर है कि जो काम चल रहे हैं अयोध्या में, निर्माण कार्य जो अयोध्या में चल रहे हैं वो भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और कोशिश है कि 22 जनवरी से पहले ये सभी काम पूरे कर लिए जाए। इसी बीच जो कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है वो भी काम लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर राम मंदिर की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस समय हम राम जन्मभूमि के अंदर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक काउंटर बनाया जा रहा है, यहाँ पर अभी फिलहाल काम चल रहा है लेकिन काम लगभग खत्म होने को है। जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे वो अपना यहाँ पर जो लॉकर बनाए जाएंगे उसमें अपना सामान रख सकेंगे, यहाँ पर रुक सकेंगे। आप देखिए तैयारियों को लगभग पूरा किया जा रहा है। ये जो सीधा रास्ता है इसको प्रभु श्री राम का कॉरिडोर कहा गया है। दीवारों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर का जो काम है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। जो भी लोग यहां से जा रहे हैं जय श्री राम के नारों के साथ, क्योंकि सभी को पता है कि 22 जनवरी का जो दिन है वो ऐतिहासिक है और उसके पहले अब सभी कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो लगातार जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर है कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर 108 फीट की अगरबत्ती लाई गई है, जिसको साधु संतों की मौजूदगी में प्रज्वलित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आपको दिखा रहे हैं कि कितनी 108 फीट की जो ये आया गया है और किस तरह अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए आज से ही अनुष्ठान शुरू कर दिए गए हैं। मंदिर में विधि विधान से कार्यक्रम चल रहे हैं और जो अयोध्या 108 फीट की अगरबत्ती आई थी उसको भी जलाने का काम कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी 108 फीट की जो ये अगरबत्ती है इसको जलाया गया है। सर, आप लोग यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं, ये कब लाए थे इसको? ये अगरबत्ती लाए हैं, इसमें क्या क्या खासियत है? इसके अंदर 376 किलो गुगल लगाए धूप, 376 किलो खोपरा का सीने और इसके अंदर 280 किलो जव है, 280 किलो तल है, 425 किलो हवन सामग्री है, 1475 किलो गोबर गाय गिर का इसके अंदर पाउडर रखा है और बहुत सारी हवन सामग्री मिला के 3610 किलो लगाया है। 3610 किलो का है? हाँ, ये है वो। तो ये इसमें जो है जो 3610 किलो का ये है, तो ये कब तक जलेगा? ये इस तरह ज्योति की तरह जलाएंगे तो 21 दिन जलेंगी, मगर अभी हम इसको अगरबत्ती की तरह नहीं जला सकते। क्यों? कि इधर का जो वातावरण है तो अगरबत्ती के अंदर हेज लग गया है। हाँ, हाँ, बराबर।
तो आगे जाके हम देखेंगे कि अगरबत्ती की तरह ये जल सकती है या तो ज्योति की तरह। तो ये ज्योति की तरह चलेगी अगरबत्ती, ये बाद में डिसाइड करेंगे। डिसाइड करेंगे, अभी तो ज्योति की तरह ही चलेंगी, बाकी डिसाइड करेंगे ये बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, बड़ोदरा गुजरात से आई है। ये कहाँ से? बड़ोदरा से लेकर आए। हाँ, बड़ोदरा गुजरात से लेकर आए। देखिए कि बड़ोदरा गुजरात से इसको लेकर आया गया है और किस तरह से यहाँ पर ये अगरबत्ती जला दी गई है। 108 फीट की ये अगरबत्ती है। इसमें आप देखिए सामग्री, कई सामग्री है इसमें, धूप बत्ती और इसके अलावा जौ चिपका हुआ है, तिल चिपका हुआ है, इसमें गोबर का जो है वो पाउडर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में अद्भुत नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये जलना शुरू हो चुकी है, इसको ज्योति की तरह जगाया जलाया जाएगा या इसको जो है वो अगरबत्ती की तरह जलाया जाएगा, ये अपने आप में देखने को मिलेगा। कहाँ से हैं आप? हनुमान जी बड़ोदरा से, राम भट्ट हनुमान दीपक शास्त्री। तो ये अगरबत्ती जला रहे हैं आप ही? हाँ, प्रज्वलित कर रहे हैं, जला नहीं रहे, प्रज्वलित कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, प्रज्वलित कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी का रूप धारण करके प्रज्वलित कर रहे हैं। हाँ, हम वहाँ से बड़ोदरा से रास्ता कवर लिया, हम आए अगरबत्ती साथ। अच्छा, इसके अगरबत्ती के साथ ही साथ आए? हाँ, जब से इसी तरह का रूप धारण किया, इसी तरह। अच्छा, तो कैसा महसूस करते हैं? इसमें महसूस हो रहा है राम जी, हमारे शास्त्र दर्शन हो जाए आज हमारे। अच्छा, सीना चीर के दिखा देंगे। जय श्री राम। तो आप देखिए कितना जोश है, एक बार फिर से दिखाइए। जय श्री राम। तो आप देखिए ये हनुमान जी हैं और बार बार सीना चीर के दिखा रहे हैं। जय श्री राम। तो देखिए कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगरबत्ती का साइज हम दिखाएंगे, 108 फीट की ये अगरबत्ती है, उधर प्रज्वलित की गई है और वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए कि उस जगह से प्रज्वलित की जा रही है अगरबत्ती और उसको एक दीपक की तरह जलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से उसकी जो लेंथ है उसको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी लेंथ की ये अगरबत्ती है। हालाँकि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पहुँचे और इसकी बाकायदा देख रेख होगी। अगर इसको इसी तरह से प्रज्वलित किया जाएगा तो 21 दिन में ये जलकर समाप्त होगी और अगर इसको जो है वो अलग से प्रज्वलित किया जाएगा तो ये ज़्यादा दिनों तक चलेगी, 45 दिन तक। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये अगरबत्ती की तस्वीरें हैं और 108 फीट की अगरबत्ती है। आप चलते रहिए, ये अगरबत्ती ख़त्म होने वाली नहीं है और बहुत लंबी दूरी की अगरबत्ती है, 108 फीट की अगरबत्ती जो ये गुजरात से चलकर यहाँ पहुँची थी, आज प्रज्वलित कर ली गई है और भगवान राम लला की आज प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है तमाम वैदिक मंत्रों के साथ आज उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस अगरबत्ती को भी जला दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कई लोगों के प्रण भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम गिफ्ट्स कह सकते हैं प्रभु राम के लिए आ रहे हैं 22 जनवरी को लेकर। सीमाब हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। सीमाब, जिस तरीके